गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साई प्रिजन लाइफस्टाइल। और मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आप सब लोग को आज की एक न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड स्वस्थ हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ। मैं ना ये जा रही हूँ आज मायके, बहुत दिन के बाद पापा से मिलने जा रही हूँ। ये देखिए मेरी मायके की रोड में थोड़ी थोड़ी रास्ता का क्लिप भी आप लोगों से शेयर की हूँ। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सब लोग को पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। एंड जो भी चैनल में न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल के आइकन है उसमें क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिएगा। फिर मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँगी आप सब लोग के पास वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी और आप लोग वीडियो आराम से वॉच कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हनी बी है, जो मधुमक्खी बोलते हैं वो है। कैसे देखिए, ये बहुत सारा हनी बी है। फ्लावर के ऊपर देखिए, फ्लावर की जो होती है ना जो स्वीटनेस वो ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे की वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगी मेरी मायके में। चलिए वीडियो बने रहिए और देखिए मैं क्या क्या कर रही हूँ मायके में। और ये देखिए थोड़ी सी कबूतर को मैं दिखा रही हूँ, कितनी प्यारे है। देखो उसका तो हट के बोलना है। ओ से कहां की सो किस सो इतना दे होते क्या? मैं शाम को तुम्हारे घर आता हूं। तो बताइए उठा के लिया को हां तो उठा के लिया और बाकी ने आ रहा आखिर की बार की बार से खाई सर जूस नष्ट करियो मस्त मस्त गावे दादाजी आप चाह सा रखा भल लगे हम्म। तिल पड़े तिल देखी ए बर्फी का प्राय तो मिले नहीं। तिल बर्फीटा किणाटा मुझे गोटे पांच टाँग ला षाठी टाँग ला बारटा षाठी टाँग षाठी टाँग बारटा तो तो के दो ना दी तू खाबू हम तू खाबू काय दे लो काय दे छुट्टु लो काय मत देखी तो बुगिलन एते चालू को आसना से उनको भी देखी काय बुगिला से मेरे एते चालू कह देना डोरी गोला ना लड़की सब जा के भाई काय देते हम ये साला हां हां ভর্তিটা
तो फ्रेंड्स आ गई मैं मस्ती करते करते मेरे सारे जो एनिमल्स के साथ, मेरे प्यारे प्यारे जो है ना वो क्या है जो गॉट है उनके साथ मस्ती करके मैं आ गई। और पापा मम्मी से भी थोड़ी सी मिल ली, बात की कर ली। और अभी आ गई मैं देखिए किचन में, अभी मैं मसाला पीस रही हूँ। मम्मी के लिए बनाऊंगी फिश करी और चिकन भी बनेगा, तो मुझे जल्दी जल्दी में सब बनाना है। तो पता तो है आप सब लोग को, मैं बताती हूँ, और सबको पता भी है लेडीज़ लोग का किधर भी काम ख़त्म नहीं होता है, हो तो ये मायके में या हो ससुराल में, खाना तो उसको बनाना ही पड़ता है। तो देखिए मैं आ गई हूँ गैस में और कढ़ाई बैठा दी हूँ गैस के चूल्हा में, और ये बना रही हूँ फिश करी। पहले मैं तो ऑयल में मिर्ची दे दी, फिर उसमें दे दी थोड़ी सी प्याज, और प्याज को थोड़ी सी हम फ्राई कर लेंगे जैसे कि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये जैसे मैं फिश करी बना रही हूँ ना, ये बहुत ही टेस्टी बनती है एंड बहुत ही ईजिली बन जाती है, 5 मिनट में रेडी हो जाती है। फिर इसमें डाल दी मैं टमाटर, टमाटर को थोड़ी सी बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी जैसे पक जाएगी अच्छे से। और टमाटर के बिना तो सारा सब्जी अधूरी है, ये तो आप सब लोग को पता ही होगी, टमाटर मेरी फेवरेट ही है। तो देखिए टमाटर मेरी लगभग पक चुकी है, अब उसमें डाल देंगे हम पोटैटो जो कि मैं ऐसे साइज में कट करके रखी थी, लंबे लंबे पतले पतले, तो मैं ये सारे पोटैटो को उसमें दे दूँगी। और देने के बाद इसको जो है ना, जो मसाला है ना सरसों पेस्ट की थी, सरसों पेस्ट में दे के मिक्स कर लूँगी कुछ टाइम के लिए। फिर लास्ट में इसमें नमक एंड हल्दी थोड़ी सी मिक्स कर देंगे और कुछ टाइम तक इसको भुनेंगे। और जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा सरसों की पेस्ट को हमें ज़्यादा भुनना नहीं है, नहीं तो ये थोड़ी सी टेस्ट अच्छा नहीं लगती है, कड़वा हो जाती है। तो इसमें डाल देंगे हम पानी, और देखिए पानी में आ गया जब से उबाल, ये मैं कवर करके छोड़ दी थी, और अब उसमें देखिए आ गया है उबाल। फिर इसमें हम डाल देंगे फिश, और ये मैं 2 ही फिश दूंगी क्योंकि मम्मी खाएंगे फिश और मैं उनकी लाडली बेटी हूँ ना, तो मुझे भी फिश खाना पड़ेगा ऐसे बात नहीं है, क्योंकि ये मम्मी ही फिश खाते हैं, चिकन नहीं खाते इसके लिए, और चिकन बन रहा है तो फिश ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो देखिए मेरी फिश की करी जो है अब रेडी हो गई है। लगभग ये देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, कितनी यम्मी दिख रहे हैं। उसके बाद देखिए चूल्हे पर हो रहा है चिकन, और चूल्हे में चिकन देखिए हो रहा है, तो चिकन को भी बनने के लिए छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो चिकन जब बन जाएगा हम आ जाएंगे खाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मेरी मायके में ही शूट की हूँ, और आशा करती हूँ आप सब लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। तो देखिए ये मेरी पापा, मेरी बेटा और मेरी बेटी तीनों खा रहे हैं इधर चावल एंड फिश करी, नहीं चावल एंड चिकन खा रहे हैं वो लोग, फिश करी तो मम्मी खाएंगे ना, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। और ये देखिए मेरी सब के सामने ये बैठी है हमारी प्यारी सी केट, और उसके बाद ये आ गई मैं मेरी थाली लेके। देखिए बहुत ज़्यादा खाना है इसमें, ये है फिश करी और ये है आम की खट्टे मीठे वाला चटनी, और साग प्याज चिकन फ्राई चिकन ली हूँ, और मिर्ची की अचार, और ली हूँ फूलगोभी आलू की रस्सा, और आलू एंड चिकन की करी। इसके साथ मेरी आज की जो है लंच की मेनू इतना ही था, तो मैं लंच कर लेती हूँ अभी। मम्मी बैठे हैं सामने में, और मम्मी और मैं दोनों कर रहे हैं लंच। आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स लंच करने के लिए। और रियल में बहुत ही यम्मी हुई थी, और मैं सारा सब्जी नहीं खा पाई थी, कुछ मैं छोड़ के आ गई थी, इतना ज़्यादा मैं नहीं खा पाती हूँ। मैं राइस भी थोड़ी सी छोड़ के आई थी, वो मेरी डॉग के बेबी को दे दी थी क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा राइस दे दिए थे मुझे। ये देखिए मेरी कितनी प्यारी सी ये केट है।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो इधर ही एंड करेंगे, फिर मिलेंगे और एक न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल, बाय बाय ऑल, टेक केयर।